बहुत बैठने में बहुत ही आरामदायक है। रीढ़ की हड्डी में एक नेचुरलिटी आ गई है, पर कुशनिंग बढ़िया है और आपको सीधी बैठने में काफी मदद करेगा। दोस्तों ये है मेडिटिव कंपनी का बैक कुशन, ये आप अपनी कुर्सी पर, गाड़ी की कुर्सी पर या व्हील चेयर पर लगा सकते हो, जो आपको बैक रेस्ट सपोर्ट देगा। तो दोस्तों इसको मैं एक दो दिन से अभी यूज़ कर रहा था, ये जो प्रोडक्ट है इसको वापस पैक करके आपको दिखा दिया जाए। तो इसका अनबॉक्सिंग भी आपको चेक करवा लेते हैं कि किस प्रकार से प्रोडक्ट मिलता है। तो ये कुछ इस प्रकार से कागज़ के अंदर लपेटा हुआ आया था, इसके बाद में ये वाली प्लास्टिक की थैली के अंदर पूरा पैक आया था, एयर टाइट सील थी। इसके अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो लास्ट में हमें ये वाला पूरा प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से मिलता है। ये स्ट्रैप है, इसको दोनों साइड से खींचना है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे सिंपली टाइट कर देना है। ओके सो अभी एक बार इसको खोल देते हैं और इसके अंदर का जो माल मसाला है वो आपको चेक करवाते हैं कि क्या एक्चुअली मिलता है। इसका जो बाहरी कवर है इसको आप धो सकते हो, इसीलिए इन्होंने इस प्रकार से दिया गया पूरा। इस प्रकार का वाइट वाइट पूरा आपको मिलता है और ये अच्छे से यहाँ से सिलाई किया हुआ है, ये भी अच्छा लग रहा है मेरे को, बुरा नहीं लग रहा है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब इसको अगर हाथ से दबाते हो तो ये वापस बाउंस करने में थोड़ा टाइम लगता है, एक दो सेकंड का। सो इससे आप लगा सकते हो कितना ये सॉफ्ट सॉफ्ट, ठीक है। सो ये गंदा ना हो इसके लिए यहाँ पर आपको आउटर कवर दिया गया है और ये कवर भी पूरा यू नो एयर फैब्रिक है, हवा अंदर आर पार आ सकती है, इसलिए इसको ब्रीदेबल मैश फैब्रिक भी कहते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। वापस हम इसको फिट करेंगे और इसके कवर को लगाने में हार्डली मुझे 2 मिनट का टाइम लगा है। प्रोडक्ट को जब मैंने अपने दोस्तों को यूज़ करने के लिए दिया तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा इनका तारीफ किया। सो अभी हम इस प्रोडक्ट को चेक करने वाले हैं कि जो हमको रिव्यू यूनिट के लिए भेजा है, अलग अलग लोगों को दिखाएंगे और एक एक घंटे उसको यूज़ करने के लिए देंगे और बताएंगे कि इनका अनुभव कैसा रहता है। हितेश भाई आप एक बार खड़े हो जाइए। ये है इनका पुराना सेटअप जहाँ पर एक जो रुई वाला गद्दा लगा हुआ है, अब उसको निकाल दो और ये वाला लगाओ, ये वाला, इसको आप आधे घंटे एक घंटे तक यूज़ करो और उसके बाद में आपको हमें बताना है कि इससे आपको कितना फ़ायदा होता है, रुई वाले गद्दे वर्सेस ये वाला जो यूनिट है इसमें आपको किस प्रकार का अनुभव महसूस होता है। ये लीजिए, टेस्ट करिए आप। ऐसे आपने को रखना है, क्या अंदाज लगता है उसके बारे में बताऊंगा। और ये काम करते हैं यूट्यूब का, क्योंकि आपने चैनल भी देखा होगा। ओके रमेश कुमार, आप अपना अनुभव शेयर करो, आपको इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद में कैसा लग रहा है? पहले तो एक तो बैठने में इसमें कंफर्ट मिलती है और रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहती है और बैठने में बहुत अच्छी कंफर्ट मिलती है। ये बहुत बैठने में बहुत ही आरामदायक है। तो लोग ज़्यादा बैठते हैं कि कुर्सी पे तो उससे कमर दर्द वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, वो इसमें नहीं आने वाली है। तो काफ़ी शानदार कुशनिंग, बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल, क्योंकि हम लोग जो चेयर के ऊपर लंबे समय तक बैठते हैं तो ये वाला अच्छे से होल्ड करने में मदद करता है। पर जो पहले जब मैं बैठता था तो इसमें ऐसे होने में काफ़ी मतलब बार बार पीछे चला जाना, उसमें एक लेवल नहीं मिलता था। आधे घंटे मुझे पता चल गया काफ़ी ये और इसमें सॉफ्टनेस है वो वाकई में बिल्कुल है और लॉन्ग टर्म में आपको ये वाला काफ़ी मदद करेगा जो कमर के वगैरह बीमारी है। आप क्या दूसरे लोगों को खरीदने का बोलोगे? हाँ, अगर आप लंबे समय तक चेयर के ऊपर बैठते हो तो डेफिनेटली वाला रेकमेंडेड प्रोडक्ट है। तो दोस्तों आई होप यू लाइक इट और अगर इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हो तो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में बता देंगे। जो प्रोडक्ट है हमारे पास में रिव्यू यूनिट आया था और इसमें मेरे को ये बताना है कि मैं अगर इसको पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे कैसा अनुभव होता है और इसका जो फीचर्स है वो काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। हालाँकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड वीडियो नहीं है, लेकिन ये जो कंपनी है वो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी बनाती है जो कि हॉट पिलो का हमने पहले वीडियो बनाया था। गर्मियों में पसीना वगैरह आता है कमर पर, वो भी इससे नहीं आएगा क्योंकि इनका जो फैब्रिक है वो ब्रीदेबल है, तो हवा आर पार आ सकती है तो आपको पसीना नहीं आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नए आए हो तो बेल आइकन को भी क्लिक करो। तो ये हम वापस लेकर जा रहे हैं। ये तो हमारे पास ही रहेगा, रिव्यू हो गया ना।